हेलो फ्रेंड्स, मैं मौत वायरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो और मैं फिर से एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड्स, जिस बार मैं आज आप सभी को समझाने वाला हूं एक और न्यू इवेंट जो कि गाइस पबजी मॉल की तरफ से आज आ चुका है गाइस, जो कि यार आप लोग को यहां पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है AKM की स्किन। तो गाइस यार आप लोग अच्छे से यार इवेंट को समझ लो, क्योंकि यार ये थोड़ा सा गाइस डिफिकल्ट है यार समझना। तो यार मैं आप लोग को अच्छे से एक एक स्टेप गाइस समझा दूंगा कि यार यहाँ पे एक्चुअली में यार आप लोग को करना क्या, जिससे आप लोग को गाइस यहाँ पे ये AKM की स्किन बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के यार वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस यार यहाँ पे मैं सिंपली आप लोग को ले चलता हूँ इवेंट में। तो यार यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यार असेंबल पार्ट्स करके कुछ इवेंट है, जहाँ पे आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार ये AKM का स्किन है, जो कि आज यहाँ पे आप लोग को टाइम लिमिटेड मिलने वाला। लेकिन गाइस इसका जो यार आप लोग का इवेंट है यहाँ पे यार आप लोग को थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी आ सकती है। तो गाइस यहाँ पे मैं चलो एक करके आप लोग को समझा देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे आप लोग को करना क्या है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आप लोग का लिखा हुआ ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड प्ले क्लासिक मोड टू गेट रेंडम पार्ट्स, द हायर योर रैंक द मोर लाइकली यू आर टू गेट ए रेयर पार्ट। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग को मतलब क्या करना है, सिंपली क्लासिक मोड में मतलब क्लासिक में ज़्यादा से ज़्यादा खेलना है, जिससे गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टोटल मिला के आप लोग यार यहाँ पे 12 पार्ट दिख रहे गाइस। तो यार ये आप लोग को यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो गाइस आप लोग को मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि यार यहाँ पे आपको क्या सच में मतलब ये सारे पार्ट मिलेंगे, या फिर यार आप लोग को एक्चुअल में करना क्या है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को मैं रूल्स पढ़ा देता हूँ गाइस। यार ये लगभग गाइस 2 वीक का आप लोग का इवेंट है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का लिखा हुआ ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड प्ले क्लासिक मोड टू गेट ए रेंडम पार्ट फ्रॉम ईच मैच, फिनिश इन हायर रैंक्स टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग ए रेयर पार्ट। यानी गाइस आप लोग जितना ज़्यादा मतलब रैंक, यानी कि यार मान लीजिए आप लोग टॉप 10 में आते हो, तो यार आप लोग को जो रेयरेस्ट पार्ट है यानी कि आज वो आप लोग को मिलने का ज़्यादा चांस है। और गाइस आप लोग को एवरी मैच मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा ही। उसके अलावा यार नेक्स्ट आप लोग कलेक्ट ऑल दी पार्ट्स एंड एक्टिवेट देम टू गेट लिमिटेड 7-day वीपन फिनिशेस। तो गाइज अगर आप लोग मतलब पूरा पार्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हो, तो गाइज आप लोग को यहाँ पे 7 दिन का यार ये AKM का स्किन मिल जाएगा। उसके अलावा गाइज डुप्लीकेट पार्ट आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल टोकन। तो गाइज आप लोग को मान लीजिए अगर डुप्लीकेट मतलब सेम आइटम बार बार मिलता है, तो गाइज वो आप लोग का यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा मैकेनिकल टोकन। तो यार वो मैं आपको यार बाद में बताऊँ कि मैकेनिकल टोकन होता क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट आप लोग का एक्सचेंज मैकेनिकल टोकन फॉर पार्ट और ए लॉन्गर आइटम वैलिडिटी इन दी पार्ट शॉप। तो गाइज आप लोग चाहो तो ये मैकेनिकल टोकन से आप लोग चाहो तो पार्ट खरीद सकते हो। यहाँ पे यार आप लोग का एक शॉप है, तो यार वहाँ पे भी मैं आप लोग को बाद में लेकर चलूंगा। उसके अलावा गाइज फिनिशेस डेट एक्सपायर ड्यूरिंग द इवेंट कैन स्टिल बी यूज इफ ए लॉन्गर आइटम वैलिडिटी पीरियड इज रिडीम्ड। और मान लीजिए गाइज आप लोग का जो ये पार्ट है गाइज वो आप लोग का एक्सपायर कर जाता है, तो यार कोई बात नहीं, आप लोग चाहो तो यार ये शॉप में जाकर परचेज भी कर सकते हो, जिससे गाइज आप लोग का यहाँ का ये इसका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट आप लोग का आफ्टर द इवेंट एंड अनयूज्ड मैकेनिकल टोकन विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू BP। यानी कि आज आप लोग का जो मतलब मान लीजिए अगर यूज नहीं कर पाओगे मैकेनिकल टोकन, तो यार वो आप लोग का BP में कन्वर्ट हो जाएगा ये इवेंट खत्म होने के बाद। उसके अलावा आइटम इन द पार्ट शॉप कैन बी ओनली परचेज वंस डेली। तो गाइस आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही बार मतलब कोई भी आइटम को यहाँ पे परचेज कर सकते हो मैकेनिकल टोकन से। उसके अलावा यार यहाँ पे ए 7-day वीपन फिनिश विल बी गिवन एट द एंड ऑफ द इवेंट इवन इफ ऑल द पार्ट्स आर कलेक्टेड बट नॉट एक्टिवेटेड। अगर मान लीजिए गाइस आप लोगों ने सारा यहाँ पे पार्ट को यहाँ पे ले लिया लेकिन आप लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया, तब भी यार आप लोगों को 7 दिन वाला मिलेगा ही। उसके अलावा गाइस प्लेयर्स में गेट अप टू 10 पार्ट्स ईच डे। यानी कि गाइस आप लोग यार यहाँ पे एक दिन में लगभग गाइस 10 यहाँ से आप लोग मैक्सिमम पार्ट को कलेक्ट कर सकते हो, भले यार वो आप लोग का सेम आइटम हो या फिर यार आप लोग का डुप्लीकेट आइटम हो या फिर यार अलग अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम 10 ही यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो एक दिन में। तो गाइस यार अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फिलहाल 4 पार्ट यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं अगर मैं ड्रॉप स्ट्रीम में लेकर जाऊँ, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डुओ में लगभग गाइस 5 मैच खेला। और गाइस चलो यहाँ पे आपको अगर मैं डिटेल में दिखाता हूँ कि यार ये 5 मैच मैंने किस तरह से खेला और क्या मेरे को यहाँ पे गेम के अंदर में ये पार्ट मिले या फिर गाइस ये मतलब बिना मिले ही मेरे को यहाँ पे ये काउंट हो गया। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को इन्वेंट्री में लेके मतलब ले जाता हूँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इन्वेंट्री में मेरे पास कोई भी पार्ट नहीं है, यानी गाइस यहाँ पे आप लोग को मैच के अंदर में कोई भी पार्ट नहीं मिलने वाला है। गाइस ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला मैच मैंने जो खेला गाइस वहाँ पे मैं टॉप किया, यानी कि रैंक 1 आया। उसके अलावा गाइस सेकंड मैच में मैंने मैं मतलब यार जानबूझ के मर गया, बीच में
में ही रैंक 5 में आया था कि यार मैं देखना चाहता था कि क्या 5 रैंक आने से मेरे को मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस यहां पे 5 रैंक आने के बाद भी मेरे को मिला। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया कि यार लास्ट के 3 मैच में मतलब जान के गाइस स्टार्टिंग में ही पानी में जाकर गाइस डूब के मर गया, देख सकते हो 3 मैच में, और तीनों मैच में मेरे को गाइस यहां पे भी पार्ट मिला। यानी कि गाइस आप लोग को स्टार्टिंग के जो 10 मैच क्लासिक मोड में आप लोग खेले हो गाइस हर दिन, उसमें गाइस आप लोग को कुछ ना कुछ पार्ट मिलेगा ही मिलेगा। और गाइस आप लोग मतलब जितना ज्यादा ऊपर वाला रैंक यानी गाइस जितना अच्छा रैंक लाओगे उतना ज्यादा चांस है कि आप लोग को रेयरेस्ट आइटम यहां पे मिलेगा। तो यस गाइस यार बेसिकली तो यार यही था कि आप लोग को मतलब यहां पे मैच खेलने, और गाइस यहां पे यही चीज का मेन चीज यार आप लोग मतलब डाउट था कि क्या पता यार यहां पे मतलब आप लोग कुछ मतलब मैच के अंदर में कलेक्ट करना या फिर यार बिना कलेक्ट किए हो जाएगा। और गाइस यार यहां पे देख सकते हो पार्ट शॉप में जैसे कि यार जो जो मैंने यहां पे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया, तो गाइस वो देख सकते हो जो जो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया वो यार यहां पे ऑन लिखा हुआ आ रहा, और बाकी जो यार मेरे को मतलब लेना गाइस वहां पे देख सकते हो ये कुछ पॉइंट करके लिखा हुआ आ रहा। और गाइस जैसा कि यार आप लोगों को मैंने दिखाया कि लास्ट के 2 मैचों में मेरे को सेम चीज मिला था, इस कारण से यार वो ऑटोमेटिकली यहां पे मैकेनिकल टोकन में चेंज होकर देख सकते हो 100 पॉइंट मेरे यहां पे मेरे पास है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो यार यहां पे यूसी से भी चाहो तो यहां पे परचेज कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपके पास यार मैकेनिकल टोकन नहीं है या फिर यार आप लोग यहां पे क्लासिक मोड नहीं खेलना चाहते हो तो यार आप लोग यहां पे यूसी से भी ये सारे पार्ट को परचेज कर सकते हो। और गाइस अगर मान लीजिए आप लोग एक पार्ट ले लिए उसके बाद गाइस आप लोग को और पार्ट लेना होगा तो गाइस ऊपर में देख सकते हो रिफ्रेश पार्ट करके आप लोग को यहां पे ऑप्शन दिख रहा है, तो गाइस वो आप लोग को यहां पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद ही गाइस आप लोग सेकंड आइटम एक दिन में ही मतलब परचेज कर सकते हो, या फिर यार अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं यूसी स्पेंड नहीं करना है तो गाइस आप लोग एक दिन में सिर्फ एक पार्ट यहां से मैकेनिकल टोकन से परचेज कर सकते हो। तो यस गाइस यार बेसिकली यार यही था, बाकी आप लोग देख सकते हो यार यहां पे मेरा 4 पार्ट कलेक्ट हो चुका है, जिसमें से गाइस 2 यहां पे मेरा रेयरेस्ट पार्ट है और बाकी यार 2 मेरा नॉर्मल चीजें जो कि यार मेरे को मतलब बस मैं मतलब गेम में घुसा और गाइस तुरंत पानी में मर गया तो उससे मेरे को 2 यहां पे नॉर्मल पार्ट मिला। तो यस गाइस यार बेसिकली यही था जो कि यार आप लोग इस वीडियो में बताना था। होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, उसके अलावा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर जरूर ऑन कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।